स्वागत है आपका जनहित आवाज में। मैं हूं आपके साथ पूजा, और आज यहां रामलीला मैदान में जो बहुजन का महासम्मेलन हो रहा है, उसी में ही यहां पर आज हमारे साथ हैं संदीप बाल्मीकि जी। तो संदीप बाल्मीकि जी, आज यहां पर ये जो आयोजन किया गया है महापरिनिर्वाण दिवस, सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं। देखिए, वैसे तो जो आज का दिन है वो बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए और इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो है एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। इंडिया में लगभग 5000 सालों से जो गुलामी का प्रबंध किया हुआ था मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण करके तोड़ने का काम किया। तो आज हमें बहुत दुख है कि आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़ करके गए थे, लेकिन हम नहीं मानते कि बाबा साहब नहीं है। आज भी जो दुश्मन खेमा है पूरे देश में बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर हो सकता है जिंदा इतने खतरनाक ना थे। आज उनका परिनिर्वाण हो गया, जो उनकी विचारधारा है वो ज़्यादा खतरनाक है। और आप तो सुबह से ही देख रहे हो, आप 26 अलीपुर रोड पे भी थे, वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा लोग कितनी ज़्यादा संख्या में आज आवागमन हुआ वहाँ पर। और मैं ये कहूँगा कि इस देश को अगर वाकई में विश्वगुरु बनाना है, पहले तो कोई भी देश विश्वगुरु है नहीं, पता नहीं ये संज्ञा किसने दे दी, ये परिभाषा किसने दे दी। और जो लोग जिस देश के लोग कान में धागा टांगे बगैर मूत नहीं सकते, वो विश्वगुरु नहीं बन सकते, क्योंकि इस तरह के लोग कहाँ विश्वगुरु बनेंगे। तो अब बंदूकों की सुरक्षा नींबू मिर्ची से करते हैं वो लोग और विश्वगुरु की बात करते हैं। तो जो साइंटिफिक जो लोग हैं वो, जिनको नास्तिक कहा जाता है, नास्तिक होना कोई साधारण बात नहीं है, अम्बेडकरवादी होना कोई साधारण बात नहीं है। अम्बेडकरवादी होना लाखों करोड़ों की भीड़ के सामने खड़े हो जाना है, और सबसे पहले आपको अपने घर वालों से लड़ना पड़ता है। तो आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी भी हिंदू रीति रिवाज को, इस व्यवस्था को जो हमारे ऊपर थोपी हुई है, उसको नहीं मानेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए संविधान के रास्ते से इस देश का निर्माण करेंगे। और क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन भी करता हूं और उनको फॉलो भी करता हूं, और भारत सरकार भी छापती है यहां तक। लेकिन कुछ बैरूपीय दिल्ली में बैठे हैं लाला जी जैसे, वो बात अम्बेडकर की भगत सिंह की करते हैं, लेकिन नोटों में कहते हैं गणेश और लक्ष्मी छपने चाहिए। आप इसकी पैंट उतार के देख लो, नीचे इसका खाकी चड्डी मिलेगी आरएसएस की। ये नॉमिनेटेड सीएम है, इलेक्टेड सीएम नहीं है। आज मैंने इसके घर के सामने से भी इसको ललकारा है, आप लोग वहाँ भी थे, ये नॉमिनेट किया हुआ सीएम है। इस देश में बहुत बड़ी बंदरबाट चल रही है, जो ईवीएम के माध्यम से देश को बांटा जा रहा है। पंजाब तू ले ले, चार हम ले लेंगे, दिल्ली तू ले ले, गुजरात हम ले लेंगे, फलाना तू ले ले, डिकड़ा हम ले लेंगे, मतलब ये चल रहा है इस देश में। तो ये समझने की जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को। और जितने हमारे लोग विधानसभाओं में संसद में बैठे हैं, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कुत्ता कितनी भी खतरनाक नस्ल का पाल लो, मालिक के आते पूछ ही लानी उसको, वो कभी भी जो है ना काटता नहीं है मालिक को। और इन जो बहुजन समाज के लोग बैठे हैं विधानसभाओं में, ये तो वैसे है जैसे मेम साहब की गोदी में कुत्ता नागे बैठ जाता है ना मर्सिडीज में, वो सोचते हमारी प्रवृत्ति बदल गई। तो ये हरामखोर जो है ना बाबा साहब के गद्दार हैं, जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, इन सब गद्दारों से भी हिसाब लेना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुजन समाज के लोगों को, मनुवादियों को छोड़ करके, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन से जो पूना पैक्ट समझौता है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, इस आरक्षण के बदले में गांधी की जान को बख्शा था बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो पूना पैक्ट समझौते से जो लोग बने हैं, इनकी संपत्तियों का भी जायजा होना चाहिए, इनका भी जायजा लेना चाहिए बहुजन समाज को। संदीप जी, जिस तरह से आपको पार्टी से निकाला गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसी तरह से जो है उनको पद छीन लिया गया गौतम जी से, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं आपकी तरह। देखिए, पार्टी तो हम लोग बनाने वाले थे, केजरीवाल ने पार्टी नहीं बनाई है, हम सब लोगों ने मिलकर बनाई थी, इसी रामलीला मैदान से बनी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन लाला जी ने कब्जा कर लिया। मारवाड़ी होते हैं जैसे, वो कब्जा कर लेते हैं, तो लाला जी कब्जा कर लेता, अपनी दुकान में बिठाना शुरू कर दो, पूरी दुकान कब्जा कर लेगा। तो वही काम इसने किया है। और जहाँ तक बात मेरी है भाई, हम तो आंदोलन के लोग हैं, हमारा पिताजी भी काशीराम जी के साथ रहे हैं, और जिस दिन हम मंत्री बने हमारे फादर ने कहा था कि आज तुम्हें समाज का दलाल नियुक्त किया गया है, किसी का बाप ऐसी बात नहीं कह सकता। और मेरा बाप क्योंकि काशीराम के साथ रहा, उनके साथ काम किया है, तो उन्होंने ऐसी बात कही है।
तो ये जो अम्बेडकरवाद है ये जल्दी से समझ में नहीं आता आदमी के, और जिसकी समझ में आ जाए वो पागल हो जाता है और हमारी तरह घूमता रहता है। फ्यूचर क्या देखते हैं गौतम जी का? देखिए गौतम और ये और लोग चर्चा का विषय है ही नहीं, ये लोग ना हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन केजरीवाल जैसे लोग, मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग है। ये लोग तो वैसे ही है जैसे अंग्रेजों की फौज में जो भारत के लोग सैनिक होते थे, ये तो वही लोग, अपने लोगों को काबू करने के लिए, शेरों को शिकार करने के लिए भेड़ बकरियां बांधी जाती है, भेड़ बकरियां समाज की बांध रखी है इन्होंने। सर जो ओबीसी की गिनती नहीं हो पा रही है देश में, जबकि 128 सांसद हैं ओबीसी के और 137 हैं करीब 137 एससी के हैं, सर ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं दलितों के लिए? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग चुन के जाएंगे रिजर्वेशन से वो उन पार्टियों में कुत्ते से भी ज्यादा वफादार लोग होंगे, और कुत्ता कभी मालिक को थोड़ी काटता है ना, आके जब कुत्ता घर में आता है पहले पंजे चाटता है, फिर घुटने चाटता है, फिर पेट तक भी हाथ फैलाता है, तो ये सारे के सारे वैसे ही लोग हैं, ये कहाँ समाज का काम करेंगे। आज न्याय अधिकार रैली है दिल्ली के रामलीला मैदान में, आप किससे न्याय मांग रहे हैं, जो कि मोदी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके लिए काम कर रहे हैं वो? तो देखिए आप लोग भी जानते हो कि कैसा काम कर रहे हैं वो लोग, है ना, उन्होंने बिना किसी आंदोलन के अपने लोगों को 10% आरक्षण दे दिया, और इस देश का उच्च न्यायालय शर्म आनी चाहिए उनको, जस्टिसों को जो वहां बैठ के कहते हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर ही गरीब हो सकता है और कोई गरीब ही नहीं इस देश में, उनको रिजर्वेशन इस आधार पे दिया गया, तो रिजर्वेशन जो था वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से था, ना कि गरीबी हटाओ उन्मूलन, और रिजर्वेशन जो है ना पूना पैक्ट समझौते का एक समझौता था जो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। तो ये जो चीजें हैं ये कहने की बातें नहीं है, ये सम्मेलन जो है ये जागरूकता सम्मेलन है ताकि समाज जागरूक हो, लोगों तक बात पहुंचे और लोग इकट्ठा हो और अपने हक अधिकार को छीनना सीखे, तो ये इसलिए है।